एक बार वहाँ मुर्गा मंडी में नहीं, सब्जी मंडी है गाजीपुर में, सब जानते हैं उसको, वहीं पे ना गाड़ी ठोक दिए थे। पहली बार मैं जब ही बैठी थी रिक्शे पे वहाँ से लेके आने के लिए, ऑटो टॉर्चर करके ला रहा था, मेरे को हैंडल पे बैठा दिया कि तुम पकड़ के रखना। मैंने पकड़ा तो जब ही से मैं आज तक समझ लो हैंडल मेरे हाथ में आ गया। पता नहीं छोटे उम्र में शादी होता था, ध्यान भी नहीं है। मैं लड़का तो ये 13-14 साल मेरा जन्म हो गया था, फिर मेरे लड़का 3 साल का हुआ तब ये तो छोड़ के चले गए थे। तो फिर आए वहाँ से आए तो बोले कि तो तेरे को मैं दिल्ली लेके जाऊँगा। फिर दिल्ली लेके आए और यहाँ ला कर रख दिए, एक दिन खाना दे रहे एक दिन नहीं दे रहे। मैं के छोड़ के जब ससुराल जाती है तो उम्मीद लेके जाती है कि हमें भी वहाँ माँ बाप मिलेंगे, आदमी मिलेंगे, भाई बहन सब मिल जाता, पर हमें कोई नहीं मिला। मैं अपने बच्चों में हिम्मत बांध लिया कि मैं बच्चों को कमा के खिलाऊंगी, पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, शादी ब्याह करूंगी, बस अपना लाभ तो बर्बाद हो गया, बच्चों का बर्बाद नहीं करूंगी। पहले तो मैंने सोचा नहीं था, पर जब मैं चलाने लगी तो मैं हिम्मत कर ली कि अब मैं चलाऊंगी रिक्शा। फिर कोई कोई इंसान कहने लगा कि चलो भाई काम करो, घर में बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मैंने कहीं फोरलाइन में हेल्परी करी 2 महीने। उस टाइम मतलब कि ये चारों भाई बहन अपने खुद जैसे तैसे रहते थे, मैं आती थी तो करके बच्चों को खिला पिला के 1-12 बज जाता सरात, और जब फिर लेके बच्चों को सो जाते थे, फिर सुबह 6 बजे उठते थे, फिर अपना काम करी, फिर 8-9 बजे निकल जाती थी। अभी तो मेरी बेटी करने वाली हो गई तो सुबह ही निकल जाती हूँ। सब बोलते हैं बहुत अच्छी है, यही लड़की है जो अपने घर चला रही, दूसरी लड़की होती तो भग जाती या दूसरी शादी कर लेती, बहुत तरीके की बात बोलते हैं। तो मैं खास कर कोशिश करता था कि मैं ही चलाऊँ, ड्राइवर में मैं ही रहूँ, ताकि अगर कुछ दुर्घटना हो जाए तो मेरी माँ कुछ नहीं हो, मेरे को जो हो सहन शक्ति मैं करूँ, मेरी माँ नहीं। दिन भर काम करके आती थी, रात भर अबू दारू पी के कभी पलटा से, कभी घूसा से, कभी लाश से, तो कभी क्या चीज से मारता रहता था, रात भर मारता था। फगर तो होगा नहीं, एक 4 बच्चों को पाल के जिस माँ ने इतना बड़ा कर दिया, सिर्फ पालना ही होता तो वो तो ठीक होता, एक दुख होता है ना, वो दुख को सह के मतलब हम लोग को इतना बड़ा किया। मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं इतना तक मेहनत करती हूँ, बच्चों को पढ़ाने के लिए मेरे दिल में बहुत अरमान है कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे और अच्छा से रहे। कोई कुछ नहीं बोलता था, बस सब दुआ देता था, भले अच्छा है, चला रही है, अच्छा कर रही है, बच्चे को 10-10 रुपया कमा के अपना मेरे बच्चे पाल रही है, 4 बच्चे ये सब तारीफ दे के करता है, मतलब कोई बुरा नहीं सोचता। ये रिक्शा चलाते चलाते मेरे को 8 साल हो गए, 500-600 कमा लेती हूँ, घर परिवार चल जाता है उससे। मैं कमा के अपना 4 बच्चे को खिलाती हूँ, हम अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को पाल रहे कमा के खिला रहे, तो हमें काहे रोकेगा, कोई नहीं रोकता। बस ऐसी ही है, जो नहीं जानता वो मजाक ले लेता थोड़ा सा कि ये रिक्शा चलाती है, ये करती है, लेकिन वो जो जानते हैं वो नहीं करते है। अपना नहीं, 400 रुपये रोज किराया देती हूँ, तो मैं उसका किराया दे के 400-500 अपना कमा लेती हूँ। ऐसा नहीं होता जैसे कि 400 भी नहीं कमा पाया, ऐसा नहीं होता। तारीफ करती है कोई 10 की जगह 20 दे के चले जाते हैं, कोई 50 भी दे के चले जाते हैं। उस टाइम तो जब मैं निकाली थी मजदूरी रिक्शा था, लोन पे निकाली थी, उसका लोन भर रही थी, किराए का रिक्शा चला के भर रही थी कि कैसे भी ये मेरा अपना हो जाए, लेकिन अपना हो ही नहीं पाया। जब नसीब में जो नहीं होता वो चाहे लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं होता। अभी भी 35 साल उम्र हो गया हम लोग का, अभी 19 साल चाहे 18 साल होगा उम्र, लेकिन हम लोग को जितना मतलब दे नहीं है ना, काम नहीं करता उतना मेरी माँ का काम करता। रिक्शा निकालने के लिए 70,000 रुपया चाहिए पहले, और दूसरा नंबर ऊपर से गारंटर चाहिए, मकान मालिक का ID प्रूफ चाहिए, कौन देगा, कौन किसकी पे भरोसा करता, कोई नहीं किसी को देता। कोई कोई बेकार भी समझता होगा, कोई कोई अच्छा भी समझता, 2-4-10 आदमी ऐसा है कि जैसे कि अपने नहीं भरे हमारे सवारी भर पर देता है, और कोई कोई ऐसा है कि रिक्शे में से सवारी उतार लेता, ऐसा भी होता है। ज़रूर है कि अगर 10 में अगर 2 बुरा है, 8 बुरा है, तो 2 अच्छा तो जरूर होना चाहिए वहाँ पे, जब तो मैं रोड पे चलते। हम तो गरीब मजदूर हैं, मजदूरी करके लाते हैं, 10-10 रुपया इकट्ठा करते हैं, तो वो 10-10 रुपया इकट्ठा करके रखेंगे तभी तो एक बार 4 लाख रुपया पूरा होगा, तो बेटी का शादी करेंगे या तो घर बनाएंगे, कुछ करेंगे। जब तक मेरा हिम्मत काम कर रहा है तब तक मैं करूँगी।